नमस्कार, मैं प्रवीण बाजपाई, अपने YouTube चैनल मैं प्रवीण बाजपाई पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो SSC MTS 2021 के एग्ज़ाम डेट की जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनके लिए SSC ने नोटिस डाल दिया है। जैसा कि मैंने आपसे कई बार वीडियो बना के बताया है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। अब कब तक हो सकता है एग्ज़ाम, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि आखिर आपका कब तक एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले नोटिस को देख लेते हैं। आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे, द कमीशन, ये आज ही नोटिस आपका आया है, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द फॉलोइंग एग्जामिनेशन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। एक तो आपका जो मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम जो कि आपका 1 जुलाई से होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी जो डेट्स हैं वो नहीं दी गई, एग्ज़ाम की डेट जो हैं वो नहीं दी गई। अभी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा कि आखिर आपका कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यानी कि जो टीयर CPSI का टीयर सेकंड का जो एग्ज़ाम था जो कि 12 जुलाई को शेड्यूल था उसको पोस्टपोन किया गया, और इसके भी एग्ज़ाम कब होंगे ये डेट आपको नहीं दी गई है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि फर्स्ट डेट्स ऑफ द पोस्टपोन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड बाई द कमीशन इन ड्यू कोर्स, यानी कि आगे उनको बताया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फर्दर अपडेट। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। ये तो कंफर्म हो गया कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, और मैंने भी कई बार इस बात को आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेट्स की कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि SSC जो है एग्ज़ाम जो लेती है वो अपने कैलेंडर के हिसाब से लेती है, और SSC ने नोटिस का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया है। रिजल्ट जो है वो भी अनाउंस कर दिए हैं, जो भी रिजल्ट उन्हें देने हैं वो अनाउंस कर रहे हैं। जैसे CHSR 2018 टाइपिंग का रिजल्ट अनाउंस किया गया, CPO का रिजल्ट आपका आया, और तमाम आपके नोटिसेस भी आ रहे हैं। SSC CHSR 2018 का जो DB का प्रोसेस है उसकी भी आपकी अपडेट आ गई है। जो DB है वो भी जुलाई में कंप्लीट कर ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि SSC ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, वो आपको दिख भी रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्या हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो SSC एग्ज़ाम लेती है वो अपने कैलेंडर के हिसाब से लेती है। सबसे पहले आपका CHSL की वैकेंसी आई थी, उसके बाद CGL की आई थी, देन आपकी MTS की आई थी। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो आपका CHSL का होगा, उसके बाद CGL का एग्ज़ाम होगा, देन आपका MTS का एग्ज़ाम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि CHSL का कुछ शिफ्ट का कुछ दिनों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई से होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुलाई में अगर CHSL हो जाता है तो अगस्त में आपका जो है, अगस्त से सितंबर तक मान सकते हैं, कुछ टाइम उसमें ड्यूरेशन लेगी SSC 10 से 15 दिन का। उसके बाद CGL का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। CGL के भी एग्ज़ाम में काफ़ी कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें भी मान लेते हैं कि 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपका मोस्ट प्रोबेबली होगा। 99% चांस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगा। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। अगर आप SSC MTS एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और मैथ्स में 25 out of 25 स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SSC MTS की कम्प्लीट मैथ्स भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। उसके अलावा RS अग्रवाल जो है वो भी कंप्लीट से आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा 2019 में जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी शिफ्ट का मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन भी मैंने अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रखा है। तो आपको मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का भी कोर्स परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि एक राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।